यस फ्रेंड्स, तो अब ये प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, ये सिंपल प्रॉब्लम है। कई बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी एक बार कर लेते हैं। सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर जून 2010 आर समराइज्ड एज बिलो। एस्टिमेटेड सेल दे रखी है प्रोडक्शन के एंड एल यूनिट का, एस्टिमेटेड इन्वेंट्री दे रखी है मटेरियल ए और बी, प्रोडक्शन के और एल इनकी प्राइस दे रखी है। ओके, देयर वर नो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। डिजायर्ड इन्वेंट्री दे रखी है मटेरियल की इतनी चाहिए और प्रोडक्ट के और एल की इतनी चाहिए। क्लोजिंग में भी है, डायरेक्ट मटेरियल जो कंजम्पशंस लगता है वो हमारा दे रखा है, यूनिट कॉस्ट मटेरियल की दे रखी है, डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रखे हैं, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं। सेल बजट निकालना, प्रोडक्शन बजट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप समझ गए, कोई इसमें ज्यादा मेजर वर्क नहीं है, फटाफट काम करने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें बनाना है सेल बजट। सेल बजट प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो है के और एल। क्वांटिटी कितनी बेचनी है, 40,000, 20,000। सेल प्राइस क्या रखी है, 30,065। अमाउंट कितनी हो जाएगी, 12,00,000, 13,00,000। टोटल अमाउंट हो गई 25,00,000 रुपए। दूसरा बोला है इन्होंने क्या, प्रोडक्शन बजट। सेल दे रखी है, इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेस करेंगे, तो हमारा प्रोडक्शन निकला है। यहां पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट एल, 40,000, 20,000 यूनिट की सेल है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2,500 और 2,000 की, ओपनिंग इन्वेंट्री है 3,000 और 2,700 की, तो प्रोडक्शन होगा हमारा 39,500 एंड 19,300। अब तीसरा है डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट। देखें, ये हमारा प्रोडक्ट के है और ये प्रोडक्ट एल है। प्रोडक्शन हमको चाहिए 39,500 एंड 19,300, ठीक है। तो जो मटेरियल ए है उसकी कितनी यूनिट लगती है, मटेरियल ए की इसमें लगती है 0.7 kg और इसमें लगती है 3.5 kg, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, तो कितना निकलेगा, दैट इज मल्टीप्लाई करें तो ये 27,650 और ये 67,550, तो ऐड करेंगे तो 95,200 हो गया। इसमें क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 3,000 यूनिट का,
ओपनिंग स्टॉक है 4000 यूनिट का, तो परचेज करेंगे हम 94,200। परचेज प्राइस है एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर केजी से 376,800। ये कहानी अभी हुई रॉ मटेरियल ए की। अब ऐसे ही हम बात करेंगे रॉ मटेरियल बी की। क्वांटिटी पर यूनिट जो लगती है, इसमें लगती है 1.2 और इसमें लगती है 1.8। तो जो क्वांटिटी आएगी ये आएगी 47,400 केजी। ये भी केजी लिख दीजिए आप, और इसमें आएगी 34,740। टोटल करेंगे तो 82,140 केजी आया। क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेस करेंगे। क्यासी 140 आएगा परचेज क्वांटिटी। परचेज वैल्यू जो होगी एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर केजी से 162,280। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो अब रॉ मटेरियल ए है, रॉ मटेरियल बी है। रॉ मटेरियल ए की जो परचेज है वो है 376,800 और रॉ मटेरियल बी की जो परचेज है वो 1,62,280। तो टोटल कितनी आई? 5,13,980। इसमें 5,13,980 की जो वैल्यू आएगी रॉ मटेरियल ए की वो आएगी 4,000 × 4 16,000, और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3,000 × 4 12,000, और इसके ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी 3,500 × 2 7,000, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी, तो टोटल ओपनिंग स्टॉक आया आपका 23,000 का और क्लोजिंग स्टॉक आया आपका 17,000 रॉ मटेरियल की। ठीक है, अब तीसरा पूछा था डायरेक्ट लेबर बजट। तो प्रोडक्ट हमारे हैं के और एल। क्वांटिटी जो है वो 39,500 है, 19,300 है। जो डिपार्टमेंट वन है इसकी लेबर लगती है 4 घंटे और 6 घंटे, तो ये आ जाएंगे 15,800 घंटे और इसकी 11,580 घंटे। डिपार्टमेंट टू जो है इसके लगते हैं 0.15 आवर्स, 0.25 आवर्स, 5,925, 4,825। टोटल कितने हुए? 27,380 घंटे, 10,750 घंटे। रेट क्या है? 12 रुपये पर आवर, 16 रुपये पर आवर। अमाउंट आएगी 328,000। मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूं,
10,750, 27,380, 0.25, 0.15, 5,925, 4,825, तो 3,28,560, 1,72,000। टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी हो जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 2,00,000 रुपए की, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट 40,000। ये सब क्वेश्चन में दिए हैं, आपने कुछ नहीं करना है। इसके बाद है पावर एंड फ्यूल 25,000 और इनडायरेक्ट मटेरियल 2,99,000 के। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट है वो है कॉस्ट ऑफ देखिए रॉ मटेरियल ओपनिंग था 23,000 का, परचेज किया 539,080, क्लोजिंग है 17,000 का। ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ गई। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 5,000 + ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स ये दोनों ही दिए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ठीक है 13,77,640 की आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक बार मैं एक क्वेश्चन कर रहा था पता है आपको, तो क्या हुआ कि मैंने ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स और ओपनिंग फिनिश गुड्स मैंने देखा नहीं और मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, बट ये मिला नहीं, ये निकला कैसे। तब मैंने अगली बार जब क्वेश्चन किया इसको तब पता चला कि ये तो दिए ही हुए हैं। तो कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम लोग स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हैं तो कर नहीं पाते। ठीक है, आई थिंक सो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।